जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैडेट अंशुल कुमार गौतम, रेजिमेंटल नंबर UK 21 SGA 137220। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे NCC की खाकी यूनिफॉर्म को सेट करते हैं और पहनते हैं। ये हमारी NCC खाकी यूनिफॉर्म की बेल्ट है, ये हमारी नेम प्लेट, ये है TS, जैसे टाइटल शोल्डर या फिर आर्म टाइटल भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं लैनयार्ड, और ये हमारी शर्ट और पैंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन सारी चीज़ों को सेट कैसे करते हैं। ये हमारी NCC की बेल्ट है, इस हिस्से को बक्कल कहते हैं, इसके ऊपर हमारे NCC का लोगो भी लगा है, और यहाँ पे उसका हुक है जो कि जिसको हम बेल्ट की इस तरफ इसमें लगाते हैं। ये चार कड़ियाँ हैं जिससे हम अपने बेल्ट को टाइट करते हैं। अब बेल्ट को सेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके नीचे हमें एक वेलक्रो दे रखा है, इसको आपको अपनी अपने हिसाब से जो है इसको ऐसे सेट करना है। जैसे मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ, इस चीज़ को ऐसे लगा के यहाँ से टाइट कर देना है, और यहाँ से दो कड़ियाँ निकालनी है। अब वो इस वेलक्रो के ऊपर से ऐसे चढ़ानी है, दोनों यहाँ पे ला के ऐसे टाइट कर देना है। इससे क्या होगा, ये चीज़ जो है एक जगह अटकी रहेगी और आपके जो है यहाँ से ज़्यादा हिलेगा नहीं, ये चीज़ टाइट रहेगी। यही चीज़ हम यहाँ पे भी सेम होती है, वेलक्रो वेलक्रो को सेट करेंगे हम जहाँ पे सही होगा। बेल्ट को ऐसे बंद करेंगे, एक करेंगे, और कड़ी को हम यहाँ से ले आके लगा देंगे इसके ऊपर, ये तो ऐसा हमारी बेल्ट सेट होती है। और इसको जब हम बेल्ट पहनते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, बेल्ट जो है बेल्ट का ये साइड आगे को, और आपकी हुक वाली साइड आपके राइट से आएगी, और ये ऐसे इसमें लॉक हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब मैं वर्दी पहनूंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। और आपकी जो बेल्ट की विड्थ होती है, जो चौड़ाई है, वो ऐसे सेट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और ये हमारी NCC की बेरेट कैप है, ये NCC का बैच, ये इसके पीछे लगाने के लिए पिन, और ये हैकल। इसमें करना क्या है, हमारे जो फ्लैप है टोपी के अंदर, इसके इसके सामने में यहाँ पे दो छेद बनाने हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, मेरी ओरिजिनल बेरेट है जो मैं यूजुअली पहनता हूँ। तो ऐसा आपको दो होल्स बनाने हैं। ये होल्स कैसे बनते हैं, आपको सबसे पहले अपने बैच को ऊपर रखना होता है, और नीचे इतने गैप पे आपको अपने बैच को अच्छे से रखना होता है स्ट्रेट। और ये ऐसे दिखाता हूँ, ये इसे कार्डबोर्ड के फ्लैप के ऊपर आना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको ऐसे होल्स बनाने हैं। होल्स बनने के बाद जब होल सही साइज़ के बन जाए तो आपको अपना हैकल लेना है, इसको बैच को हैकल के साथ ऐसे लगा देना है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे लगा के ऐसे, फिर इसको अपने बेरेट कैप पे लगाना है, ये ऐसे। जब दोनों फिट हो जाएंगे तो यहाँ से इसमें गैप बनेंगे, आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी ये जो आपकी पिन थी, इसे फिट करना है, ध्यान से रखिएगा कि हैकल यहाँ से निकल ना जाए कहीं से, हैकल दोनों तरफ से अच्छे से टाइट होना चाहिए। फिर दोनों पिन्स को ऐसे एक साथ पकड़ के अंदर डालना है, यहाँ से अंदर डालना है। ये बैज में होल्स हैं आपके, जो NCC का बैज है इसके होल्डर में होल होता है। फिर ये पिन जो है, ये टोपी के, जैसे देखिए, ये टोपी के अंदर से ही निकालनी है, ये ऐसे दबा के टोपी के अंदर से ही निकाल देनी है बस, और यहाँ आपकी बेल्ट क्या वैसे हो जाती है रेडी। अब हम सबसे पहले अपनी पैंट देखते हैं। इसमें जैसे मैंने दो सैंपल लगा रखे हैं, ये जो है ये आपका होल्डर होता है जिसमें आप बेल्ट फंसाते हैं, तो ये बटन जो होंगे बंद होंगे, जैसे इस साइड पर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। नई नई सिलाई में ये बटन के लिए जो होल्स बने होते हैं टाइट होते हैं, तो आपको तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये लग गया, ये आपकी बैक पॉकेट है, याद रखिएगा बैक पॉकेट में हमेशा ये चीज़ बंद होनी चाहिए बस। यहाँ से हो जाती है आपकी पैंट सेट। यह है हमारी NCC की शर्ट, इसमें यहाँ पे हम लगाते हैं अपनी नेम प्लेट, और आपके यहाँ पे लगता है आपका आर्म टाइटल, ये, और आपकी नेम प्लेट। नेम प्लेट को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली ये पिन खोली आपने, यहाँ पर आपके लिए बनाया गया थोड़ा सा जिसमें आप अपनी पिन डालेंगे, कोशिश करिएगा पिन को स्ट्रेट डालें क्योंकि यहाँ पे कहीं आपकी पिन अंदर फंसे ना।
ये आपके पेन ऐसे साफ सीधी सीधी निकल जाएंगे साफ तरीके से, ऐसे बंद करके। ये ऐसे ऐसे होता है, इसको आप नीचे को ऐसे सेट कर देंगे कि नीचे ऐसे अच्छे से बैठ जाए। बटन्स आपको हमेशा शर्ट के भी बंद रखने हैं, वाले जो पॉकेट बटन्स होते हैं बंद रहते हैं। अब हम लगा के दिखाते हैं आपको टीएस। सबसे पहले आप अपने राइट जो हाथ है उसके ऊपर के शोल्डर वाले उसको बंद कर लीजिए। अभी जो आपका राइट आर्म है इसको स्ट्रेट कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो आपका ये चीज़ है इसके सीध में आपका टीएस भी लगना है। टीएस मैं आपको दिखा देता हूँ आपके साथ, ये खोलता हूँ इसे, चप्पल पिन लगा रखी है इसमें, ये टीएस हो गया आपके। इसको करना क्या है, ये सेफ्टी पिन आपको खोलनी है ऐसे, और इस हिस्से से अपने चार फिंगर्स का गैप लेना है ऐसे, और वहाँ अपने टीएस को लगा देना है ये ऐसे, लगा के से अंदर से पिन को बंद कर देना है। ये आप अच्छे से एडजस्ट करके टाइम दे के इसको एग्जैक्ट चार फिंगर्स की गैप में यहाँ नीचे इसके सेंटर में इसके साथ लगा देना है। वही चीज़ सेम उस साइड भी होगी। ये आपका लेफ्ट शोल्डर। अब आपका जो लैनियार्ड होता है वो लेफ्ट शोल्डर पे लगता है, इसके लिए हमने फ्लैप खोल रखा है। अब हम आपको दिखाते हैं आपका लैनियार्ड। ये आपका लैनियार्ड है, इसको हमें इसको ऐसे रख पकड़ना है, कुछ ऐसा दिखेगा ये। अब ये जो हिस्सा है इसको ऐसे टाइट कर लीजिए ऐसे नॉर्मल, और ये जो हिस्सा है ये आगे की, ये हमेशा आगे की तरफ आता है, जैसे आपकी आपने शर्ट उठाई। अब ये इसका हाथ लेके इसके हाथ को यहाँ से अंदर डालना है, यहाँ पे पहुँचा देना है, फिर इस फ्लैप को यहाँ से बंद कर लेना है। ये बटन आपका बंद हो जाता है, इसको ऐसे कर देना है। और पीछे जो है पीछे यहाँ पे भी आपको ये देखा है, इसके अंदर से भी अपने लैनियार्ड को ले जाना है, ऊपर जो आपके बटन लगा है इसे बंद कर देना है बस। तो ये आपका जो लेने आ रहा है यहाँ से सेट हो गया। इसको इसके मतलब लास्ट को आगे लेना है आपको, क्योंकि ये चीज़ नीचे आ जाए। अच्छे से एडजस्ट करने का आपका लैनियर्ड कुछ इस प्रकार इसके अंदर चल जाएगा, पीछे से ऐसे फिर आगे से ये बंद। अपनी शर्ट को सीधा करेंगे, फिर जो ये है इसको लगाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कई तरीकों से लगाया जाता है। इसको हम ऐसे कर लेंगे, मतलब ये जो ये है इसकी मोटी साइड की तरफ इसको ले आएंगे, पॉकेट खोल के पॉकेट इस तरफ यानी आप सेंटर की तरफ को इसे अंदर से ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर आप इसे फिट करोगे ऐसे, फिर इसके ऊपर से आप बटन बंद करो। ये जो लोहे के हिस्सा है ये बाहर शर्ट के पॉकेट के बाहर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड करके लगाते हैं और यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। भी आपकी शर्ट हो गई तैयार। अब हमने पैंट शर्ट बेल्ट और जो तभी सामान था उसे सेट करना सीख लिया। अब मैं आपको यूनिफॉर्म पहन के दिखाता हूँ, और ये हैं आप लोगों के डीएमएस शूज़। डीएमएस की फुल फॉर्म होती है, ये शूज़ में हमेशा आपको ध्यान रखें कि आपके हमेशा टाइट होने चाहिए बिल्कुल पैर पे, दोनों पैरों पे। और ये चीज़ ध्यान रखें कि जो दोनों अंदर की साइड के आपके जो दोनों लेसेस हैं, ये इसका लेफ्ट वाला और इसका राइट वाला, ये दोनों लंबे होने चाहिए। अगर आपके शूज़ के लेसेस लंबे हैं काफ़ी तो ये वाले दो जो हैं ये लंबे होंगे। और फिर इनको पहनना कैसे है, सबसे पहले हम अपना ये वाला जूता लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल नॉट बांध देंगे
ठीक है। अब आपका ये वाला लेस लंबा है, ये वाला छोटा है। अभी जो लंबा वाला लेस है इसको आप अपने पैर की इस तरफ से ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे आपके जो ये है इस फ्लैप के अंदर डाल देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे आपको दो नॉट्स बांधनी है, दो या जितनी नॉट्स आपको जितनी सूटेबल लगे आप उतनी नॉट्स बांध देंगे। जैसे मैं दो नॉट्स बांध के ऐसे छोड़ देता हूँ ऐसे। अभी क्या है आपके पैर के अंदर की साइड, जब आप एक साथ पैर जोड़ के खड़े होंगे तो ये अंदर की साइड छुप जाएंगे, इन्हें ऐसे करके छुपा भी सकते हैं। अब वैसा ही इस पैर पे भी करना है। और ऐसे आपके DMS शूज़ हो गए रेडी, दोनों ही वाले लेसेस अंदर की साइड और बाहर ऐसे क्लीन, आगे भी क्लीन। NCC की बैरेट कैप को ऐसे पहना जाता है। ये राइट साइड का जो हिस्सा होता है इसको ऐसे नीचे को कर्व करके यहाँ से स्ट्रेट करना होता है, और ये जो आपका NCC का बैज है इसको आपको अपनी लेफ्ट आँख के प्यूपल से सीधा ऊपर को ऐसा रखना है, जिसकी सीध में हमारा हैकल भी आएगा। और इसको ऐसे अच्छे से सेट करते हैं, हैकल को हमेशा ध्यान देना कि हैकल हमेशा सीधा होना चाहिए आपका, इधर उधर को हैकल नहीं होना चाहिए, और हैकल कभी लूज़ नहीं होना चाहिए। आप ऐसे अपना सर हिलाते हैं तो ये ऐसे करके हिल जाए, तो इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना होता है सेट, और आपकी बैरेट कैप ऐसे पहनी जाती है। बैरेट कैप में होल करते टाइम जो आपको पहला स्टेप बताया उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका होल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट होल बनाएंगे तो यहाँ से ये झुकाने में आपका हैकल ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये पूरा बैच टेढ़ा हो जाएगा। तो बैच को और टोपी के जो होल, उस टोपी में होल बनाया उसमें भी एक ऐसा एंगल होना चाहिए कि जैसे एक ऐसा एंगल बनाना है जिससे आप जब इसको राइट साइड को ऐसे कर्व करें तो ये चीज़ सीधी हो जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हमारी NCC की यूनिफॉर्म पहनी जाती है। टोटल आपका नेम प्लेट हो गया, ये आपका लैनियर्ड यहाँ पर टाइट हो जाता है बैरे सीधी, और ये आपकी बेल्ट। ये बात याद रखिएगा, शर्ट जब पहनते हैं तो शर्ट के बाहर आपके वेस्ट से ऊपर जो शर्ट के बटन है ये सिर्फ तीन दिखने चाहिए, जैसे यहाँ पे एक दो और ये तीन, तीन बटन दिखने चाहिए। और जो बेल्ट है बेल्ट के बीचों बीच ये लोगो है, ठीक है। तो और ये जो आपकी जिप की, ये आपकी जो कपड़ा है और ये जो शर्ट का कपड़ा है, ये तीनों ऐसे लाइन में होना चाहिए। जैसे मेरा देखिए ये ऐसे लाइन में है शर्ट और पैंट एक साथ, और जब लोगो है ये इन दो लाइन के बीच में आ रहा है बिल्कुल। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना है। TS मेरे यहाँ पे दोनों लगे हैं, तो ऐसे ही हम अपनी NCC की खाकी यूनिफॉर्म को पहनते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि NCC में जब, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो स्वेटर के साथ यूनिफॉर्म को कैसे पहना जाता है। तो उसमें सिर्फ हमें इतना करना है कि हम अपनी बेल्ट और नेम प्लेट इस वर्दी में से उतार लेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा NCC का स्वेटर है। स्वेटर में करना क्या है, बस नॉर्मली स्वेटर को पहन लेना है, दोनों TS वैसे ही लगाने हैं जैसे शर्ट पर लगाए थे। और ये TS अच्छा रहता है अगर आप स्वेटर और शर्ट पे इन्हें सिल लें, क्योंकि ऐसे आपके कहीं कंधे टकराए तो ये उखड़ ना जाए। फिर बेल्ट को इसके ऊपर आते हैं, नेम प्लेट वहीं उसी पोजीशन पे जहाँ पे आपकी शर्ट लगी हुई थी बिल्कुल उसी पे राइट साइड, बेल्ट ऐसे स्वेटर के ऊपर पहनते हैं। अब करना क्या, जैसे मैंने स्वेटर पूरा सीधा कर रखा है, अब स्वेटर को यहाँ से ऊपर खींच लूंगा, क्योंकि ये जो है ये ऐसे बेल्ट के अलोंग यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है एक बार वो बेल्ट तक बिल्कुल, ये फोल्ड हो गया। अब इस फोल्ड को आपको नीचे को ऐसे पलट देना है बस। ये आपके NCC यूनिफॉर्म विद स्वेटर ऐसे पहनी जाती है। मैं आपको कुछ फोटोज शेयर कर दूंगा कि NCC यूनिफॉर्म फाइनली आपको पूरा टर्न आउट कैसा दिखता है। अब एक बात नोटिस करने की है कि जो JD की यूनिफॉर्म होती है, JDJW की, उसमें हैकल की जगह पे हम ये लगाते हैं, और बेल्ट में बकल नहीं होता है, बेल्ट उसकी जगह पे हुक होते हैं, वो हुक भी अंदर से इंटरलॉक करके बाहर से लगाने होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी NCC यूनिफॉर्म को पहनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ हमारा वीडियो लेसन ख़त्म होता है। जय हिंद।